क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई कोमा वाई इक्वल टू टू कोमा वाई इक्वल टू फोर एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। तो ये ग्राफ के वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बनेगा ये। और टू लाइन के इक्वेशन गिवन है, एक वाई इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू फोर। सपोज हम इससे ले लेते हैं वाई इक्वल टू टू और से y इक्वल टू फोर, और इस रीजन को हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस वाले फर्स्ट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रल टू टू फोर x dy। इसमें हम y एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम x अगर निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट फोर वाई, तो ये होगा टू इंटू वाई टू द पावर वन बाई टू। वाई टू द पावर वन बाई टू डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करने से ये होगा वाई टू द पावर थ्री बाई टू टू बाई थ्री। सो फोर बाई थ्री, और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे फोर टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू टू द पावर थ्री बाई टू। ये होगा टू स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाई टू, और इसे लिख सकते हैं टू रूट टू, इसमें टू से टू कैंसिल हो रहा है। ये एट माइनस टू रूट टू, हम आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा थर्टी टू माइनस एट रूट टू बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स आंसर।